शाहरुख खान की फिल्म पठान सिर्फ इस साल ही नहीं बॉलीवुड के इतिहास में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही। फिल्म में शाहरुख खान ने जो माहौल जमाया उसने जनता को जोरदार एंटरटेनमेंट दिया ही, लेकिन पठान के जिस एक मोमेंट ने थिएटर में जनता से सबसे ज़्यादा सीटी और तालियां बटोरी वो डेफिनेटली सलमान खान की एंट्री थी। फिल्म देखकर निकले दर्शक दोनों स्टार्स को पूरी फिल्म में एक साथ देखना चाहते थे। फैंस की ये विश बहुत जल्दी पूरा होने वाली है। यशराज फिल्म्स पठान बने शाहरुख खान और टाइगर बने सलमान इस यूनिवर्स की एक फिल्म में एक साथ नज़र आने वाले हैं। बताया जा रहा है कि ये दोनों फिल्म में एक साथ ही नज़र नहीं आएंगे, बल्कि दोस्तों कहानी ऐसी होगी कि दोनों स्क्रीन पर साथ में टकराते भी नज़र आएंगे। इस फिल्म को फिलहाल टाइगर वर्सेस पठान कहा जा रहा है और इसके डायरेक्ट सिद्धार्थ आनंद हैं। इतनी बड़ी फिल्म के लिए शाहरुख खान और सलमान को दोनों को मेकर्स की तरफ से कितनी ज़बरदस्त फीस मिल रही होगी ये सोच पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। मगर दोस्तों रिपोर्ट्स बताती है कि टाइगर वर्सेस पठान के डायरेक्टर सिद्धार्थ को भी फिल्म से तगड़ी कमाई हाथ लगने वाली है। रिपोर्ट्स बताती है कि टाइगर वर्सेस पठान के लिए सिद्धार्थ को जितनी फीस मिल रही है उतनी अभी तक किसी भी डायरेक्टर को नहीं मिली है। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि शाहरुख खान सलमान खान के इस ग्रैंड प्रोजेक्ट के लिए सिद्धार्थ को 40 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से कहा गया किसी भी बैनर ने आज तक किसी भी डायरेक्टर को इतनी बड़ी फीस नहीं दी है। लगातार धमाकेदार एंटरटेनर्स देने के लिए सिद्धार्थ को सम्मानित करने का उनका यानी मेकर्स का एक अपना एक तरीका है। YRF सिद्धार्थ को इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी भी दी गई है जो आज तक आदित्य चोपड़ा की लिखी सबसे एम्बिशियस स्क्रिप्ट है, क्योंकि इसमें सलमान खान और शाहरुख खान आमने सामने होंगे। दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर से दें, और साथ ही और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही दोस्तों बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।